दोस्तों, हॉलीवुड मूवीज में विजुअल इफेक्ट्स इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि आप असली और नकली में फर्क ही नहीं बता सकते। खैर, अगर आप देखना चाहते हो ये बॉलीवुड फिल्में बिना स्पेशल इफेक्ट्स के कैसे दिखती है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे विजुअल इफेक्ट्स जिसे देख कर आपका सर चकरा जाएगा। उससे पहले, अगर आप और ऐसे रोमांचक वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइफ ऑफ पाई। काफी लोग इस मूवी को विजुअल मास्टरपीस भी मानते हैं, और इसका कारण ये है कि इसमें जो विजुअल इफेक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो काफी बेहतरीन है, क्योंकि ऐसी एकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म को बनाना कोई आसान बात नहीं है। इस फिल्म के सभी समुद्र दृश्य को एक विशाल वेव टैंक में फिल्माया गया है, जो ताइवान के एक बंद पड़े एयरपोर्ट पर खास इसी फिल्म के लिए बनाया गया था। दोस्तों, आपको बता दें, ये वेव टैंक दुनिया का सबसे बड़ा वेव टैंक था, जो कि सेल्फ जनरेटेड है, और इस वेव टैंक की दीवारें मूवेबल बनाई थी ताकि सनलाइट का पूरा इस्तेमाल किया जा सके। यानी बोट में बैठे इस लड़के के इर्द गिर्द सारी लहरें इस टैंक में जनरेट की गई थी। और बात करें इस फिल्म के टाइगर की, तो वो CGI इफेक्ट द्वारा क्रिएट किया गया था, और हर दिन की शूटिंग के बाद VFX टीम इस वेव टैंक की सतह को समुद्र सतह से मिलाने का काम करती थी। और तो और, इस समुद्र को असली जैसा दिखाने के लिए हाई विंड प्लॉट्स और एडवांस CGI की मदद ली गई, जिसके कारण हमें इस फिल्म में तूफानी बादल और रात के बेहतरीन नज़ारे देखने मिले। द जंगल बुक। दोस्तों, आपको बता दें, इस मूवी में CGI का इस्तेमाल करके 70 अलग प्रकार के जानवरों को बताया गया है। जानवरों की एक्सप्रेशंस में रियलिटी लाने के लिए इन एनिमेटर्स ने फेशियल रिगिंग का इस्तेमाल किया गया है। इस फिल्म के दौरान एनिमेटर्स ने ऐसी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जो सिर्फ जानवरों के पास है, और इसका इस्तेमाल कर इन्होंने जानवरों के चेहरे को हाव भाव दिए। इसमें से सबसे कठिन काम था इन जानवरों के बालों पर काम करना, ताकि जानवरों के बाल आसपास के वातावरण से और उनके बॉडी लैंग्वेज से प्रॉपर मैच कर सके। कि जब ये जानवर बात करते हैं, तब उनके बाल प्रॉपर तरीके से हिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस फिल्म में मोगली का किरदार निभाने वाले बच्चे का नाम है नील सेठी, और इस पूरे फिल्म में इसने अकेले ही एक्टिंग की है, क्योंकि ये जो जानवर पर्दे पे दिखाए गए हैं वो CGI से क्रिएट किए गए हैं, और इन जानवरों को आवाज दी है कुछ फेमस हॉलीवुड स्टार्स ने। वैसे देखा जाए तो नील सेठी को इस फिल्म के शूटिंग के दौरान कुछ क्रू मेंबर्स ने ब्लू सूट पहनकर मदद तो जरूर की है, और कुछ जानवरों की कठपुतलियां पकड़े हाथ में खड़े थे। का काम ये था कि जब नील सेठी बात करे, तब वो उन कठपुतलियों को देखकर बात करे, जो कि बाद में फिल्म एडिटिंग के वक्त CGI से रिप्लेस हो जाएंगी। मैलिफिसेंट, मिस्ट्रेस ऑफ इविल। ये 2014 में बनी मैलिफिसेंट मूवी की सीक्वल है। इस मूवी में एंजेलिना जोली को मेन एक्ट्रेस दिखाया गया है। इस मूवी में एंजेलिना के साथ कई अनेक किरदारों को हवे में उड़ते हुए दिखाना था। इस चीज को पर्दे पर दिखाने के लिए दो अलग तरह का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से पहला तरीका था एक्टर्स को मजबूत तारों द्वारा हवे में उठाकर रखना। यही तकनीक का इस्तेमाल बाकी सभी मूवीज में किया जाता है। और दूसरा तरीका ये था कि एक्टर्स को हवा में लहराते हुए पूरे 360 रोटेशन में टर्न करना, और इन एक्टर्स को रोटेशन देने का काम कर रहे थे ब्लू सूट्स में क्रू मेंबर्स, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। और इन सभी ब्लू सूट्स मेंबर्स को बाद में CGI द्वारा निकाला गया। इस मैकेनिज्म को बनाते वक्त ये चीज ध्यान में रखी गई कि जब एक्टर्स को आगे पीछे टर्न कर रहे हैं या फिर 360 रोटेशन दे रहे हैं, तब वो पूरी तरह से सुरक्षित हो। इसके साथ ही साथ मैलफिसेंट के पंखों को भी CGI से बनाया गया, जिसके कारण एंजेलिना जोली को पीछे ऐसी चीजें लगाए रखने पड़ी, जिसे बाद में CGI इफेक्ट्स द्वारा पंख में बदल दिया गया। यहाँ पर विजुअल इफेक्ट्स टीम को ना सिर्फ पंख लगाने थे, पर इस बात का भी ख्याल रखना था कि वो पंख एक्टर्स की गतिविधियों के साथ बराबर तालमेल बनाए रखे। एवेंजर्स
एंड गेम 2008 में आयरन मैन से लेकर अब तक एवेंजर सीरीज की 23 फिल्में रिलीज हो चुकी है और इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। कमाल की एक्टिंग और गजब स्टोरी लाइन के अलावा जो इस मूवीज को लाजवाब बनाती है वो है इसका CGI वर्क। एवेंजर्स एंड गेम में बहुत से ऐसे सीन्स हैं जो बिना CGI पॉसिबल ही नहीं थे और इन्हीं सीन्स में से शामिल है इस मूवी का फाइनल बैटल, जहां पर ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड वर्ल्ड को क्रिएट किया गया है। इस फिल्म के काफी कैरेक्टर्स ऐसे ही है जो CGI द्वारा क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि थैनोस। यहाँ पर 8 फीट लंबे थैनोस के चेहरे पर जो फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाए गए हैं, वो वाई क्रिएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बनाए गए हैं, जहाँ पर आपको जॉस ब्रोलिन के फेशियल एक्सप्रेशंस थैनोस के फेस पर देखने मिल जाएंगे और इसी तरह हल्क के एक्सप्रेशंस को भी पर्दे पे CGI द्वारा दिखाया गया है और साथ ही साथ इनके बॉडी के मोशंस को कैप्चर करने के लिए इन्हें बॉडी मोशन सूट्स भी पहनाए गए हैं। हैरी पॉटर। अगर आप हैरी पॉटर सीरीज के फैन हैं तो आपको क्विडिच गेम तो जरूर पता ही होगा, जहां पर ब्रूम स्टिक्स पर बैठकर हैरी पॉटर गोल करने की कोशिश करते हैं। इस गेम के अलावा भी कुछ ऐसे सीन्स हैं जहां पर हैरी पॉटर हवा में उड़ते हैं। बता दें, ये उड़ने वाले सभी ब्रूम स्टिक्स वाले सीन असली ब्रूम स्टिक्स पे ही बनाए गए हैं, यानी एक्टर्स ने रियल ब्रूम स्टिक्स का इस्तेमाल किया है, पर उड़ने की जगह सभी एक्टर्स एक ही जगह ठहरे हुए थे। ये सीन उड़ते दिखाने के लिए ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है और ग्रीन स्क्रीन के साथ एक ऐसा ब्रूमस्टिक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो और फिर वर्चुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड को हटाकर डिजिटल वाले से रिप्लेस कर दिया गया है। मतलब सभी ब्रूमस्टिक्स वाले सीन CGI इफेक्ट्स के बदौलत पर्दे पर बहुत ही बेहतरीन दिखते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ विजुअल इफेक्ट्स जो फिल्मों में इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें से आपको कौन सा पसंद आया वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अलविदा।